हाँ वहाँ हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं वैतरना में, क्योंकि उसका वातावरण बहुत अच्छा और शहर में नहीं है, शहर से बाहर। वहाँ से बम्बई से मेरे ख्याल से अपना 1.5 घंटा लगता है जाने के लिए। और वैतरना शब्द आपने पढ़ा होगा कि वैतरना भवसागर को पार करने के लिए वैतरना वैतरना उतर गए, वैतरना से उतर गए ऐसे कहते हैं। वहाँ पे ये जगह है, 42 एकर्स ऑफ लैंड है, बहुत सुंदर जगह है और वो अपने को मिल गई है और वहाँ पर स्कूल बनाने का है। और मैं सोच रही हूँ कि इस तरह का स्कूल बनाया जाए जहाँ बच्चों के सामने हमारे भारतीय आदर्श रखे जाए और भारतीयता से उनको बढ़ाया जाए, उनके अंदर डिसिप्लिन हो, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का आदर करना, टीचर्स का आदर करना। हमारे बच्चे तो आजकल बिल्कुल बहकावे में आ गए हैं और उनको एक बहुत बढ़िया हिंदुस्तानी भारतीय। मैंने सोचा है कि फॉरेन से लोगों को भी, फॉरेन के लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनके बच्चों को भी वहाँ बुलाया जाएगा और बहुत हाईएस्ट टाइप ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल स्कूल में रह चुके हैं और जो और जगह भी रह चुके हैं, जो सहयोगी ऐसे लोगों को बुला करके स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और डिसिप्लिन और बहुत बढ़िया और उनको अपने देश के बारे में पूर्ण संपूर्ण तरह से ज्ञान दिया जाएगा, जिससे वो जान जाए कि कितना बड़ा महान देश है। और इसके अलावा और देशों के बारे में बड़ी अच्छी शिक्षा प्रणाली हमने बना ली है। अब ऑस्ट्रेलिया में इसी शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक स्कूल बनाया गया, उस स्कूल के इतने अच्छे सर्टिफिकेट्स दिए गवर्नमेंट ने कि ऐसा तो हमने स्कूल देखा ही नहीं। और ये लोग जो कहते हैं वही करते हैं, इन्होंने जो कहा है कि ऐसा स्कूल होना चाहिए ऐसे ही ये बच्चे पाए गए, बड़े डिसिप्लिन, बड़े प्यारे बच्चे और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर स्कूल शुरू किया जाए और शायद 1-2 साल में ही वो शुरू हो जाए। चाहते हैं कि बच्चे वहाँ 10 साल से बड़े हैं, 10 साल से छोटे बच्चों को लेने में, या 9 साल से समझ लीजिए जब से हाई स्कूल शुरू होता है, कौन सी फर्स्ट कब से शुरू होता है, प्राइमरी ख़त्म कब होता है, नहीं प्राइमरी ख़त्म कब प्राइमरी फिफ्थ तक का, तो कौन सी एज होती है बच्चे की समझ में, 10 1 साल। तो 10 साल से बच्चे लेंगे वो, उससे शुरू करेंगे, बाद में फिर छोटे बच्चों का भी कर सकते हैं हर एक जगह, जैसे कलकत्ते के लिए हर जगह के लिए एक छोटे बच्चों का भी शुरू करें, क्योंकि यहाँ तो शहर में वो होना पड़ेगा, शहर से बाहर नहीं। और ये शहर से बाहर एक स्कूल बना रहे हैं और आप लोग से ये विनती है कि आप लोग भी अगर इसके लिए कुछ मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि फ़ौरन से पैसा आएगा वो देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि वो रिज़र्व बैंक के पास जाओ, उसे ये करो वो करो, हर एक पैसे का हिसाब देंगे, झंझट ही है।